नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज अपने धोरण दस विषय गणित तेमा चेप्टर त्रीजू द्विचल सुरेख समीकरण युग्म तेना विषे बात करीशुं। विद्यार्थी मित्रों, आपणे नवमा धोरण में द्विचल सुरेख समीकरण विषे बात करी चूक्या छीए, बराबर आपणे भणी चूक्या छीए। हवे दसमा धोरण में स्वाध्याय 3.2 छे, एमां आलेखनी रीत आवे छे। आलेखनी रीत आपणे नवमा धोरणमां भणी चूक्या छीए, आलेख कई रीतना दर्शावो, आलेखना बिंदु आपणे कई रीतना मळे। तो हवे आपणा दसमा धोरणमां सुरेख समीकरण युग्मना प्रकार छे, बराबर तेना विशे आपणे अभ्यास करीशुं। जोई आलेख कई रीतना मळे, बराबर सुसंगत छे, असंगत छे, अवलंबी समीकरण छे। तो सौ प्रथम पहेला सुसंगत समीकरण युग्म कने कहेवाय एना विषे वात करीशुं। जे समीकरण जे सुरेख समीकरण युग्मने अनन्य उकेल होय, केवा अनन्य अथवा अनंत उकेल होय, केवा उकेल होय अनंत उकेल होय, तेवा समीकरण युग्मने सुसंगत जोड कहे छे। बे समीकरण आपणे आपेला होय एना उकेल अनंत मळे तो तेवा समीकरण ने शू कहेवामां आवे, सुसंगत जोड कहे छे। आटली वस्तु खबर पड़ी गई, आ स्वाध्याय 3.2 में काम आवशे, बराबर एना उपरथी आख्या आखू स्वाध्याय आपणो 3.2 छे, ध्यान आपजो। बीजू असंगत समीकरण युग्मां ए कोने कहेवाय, तो के जे समीकरण युग्मने एक पण उकेल न होय, शू कीधुं, एक पण उकेल मळे नहीं तेवा समीकरण युग्मने असंगत जोड कहे छे। बे समीकरण आपेला होय एनो उकेल मळे ज नहीं तेने शू कहेवामां आवे छे, असंगत जोड कहे छे। त्यार पछी अवलंबी समीकरण युग्म, अवलंबी समीकरण युग्मने अनंत भिन्न उकेल होय छे, अनंत अने भिन्न, भिन्न चोक्कस આવી જોડને અવલંબી સમીકરણ યુગ્મ કહે છે। જ્યારે આપણે દાખલા ગણશું ત્યારે તમને વધારે ખબર પડી જશે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમીકરણ યુગ્મના સહગુણકો અને તેમના પ્રકાર વચ્ચેનો સંબંધ વિશે વાત કરીશું। આ દાખલામાં ઉપયોગ થાય છે સ્વાધ્યાય 3.2માં, જો આ તમને આવડશે તો જ તમને દાખલા આવડશે, આ તમને યાદ રાખવાનું છે, બરાબર। ધારો કે ચલ એક્સ અને વાય ધરાવતા સમીકરણ યુગ્મ a1x प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो अने ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो छे। बे समीकरण आपने कही दीदा, शू कीधा, व्यापक स्वरूप आप्युं छे। केवुं स्वरूप आप्युं छे? व्यापक स्वरूप, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो अने ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो छे, ज्यां ए वन वर्ग प्लस बी वन वर्ग इज नॉट इक्वल टू जीरो, बराबर। જો એ જીરો હોય તો આખું સમીકરણ શું થઈ જાય? જીરો। એટલે અહીંયા શું કહી દીધું? ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ જીરો, અને એ ટુ વર્ગ પ્લસ બી ટુ વર્ગ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ એ જીરો। હવે પહેલો નિયમ કીધો, શું કીધું? સહગુણક છે, જો સહગુણક આપણે લીધા છે, જો એ વન છેદમાં એ ટુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી વન છેદમાં બી ટુ, એટલે કે આ છે એ વન છેદમાં એ ટુ, એવું જ બી વન છેદમાં બી ટુ ન હોય તો સમીકરણોની જોડ સુસંગત છે। તો સમીકરણની જોડ કેવી કીધી? સુસંગત છે, અને તેઓનો આલેખ બે છેદતી રેખા હોય, તેનો આલેખ એ કહી દીધો, કેવો કેવો હોય? બે છેદતી રેખા હોય। બીજું કીધું, જો એ વન છેદમાં એ ટુ બરાબર બી વન છેદમાં બી ટુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ સી વન છેદમાં સી ટુ, એટલે કે પહેલાં બે સરખા છે સહગુણકમાં, બરાબર, અને છેલ્લો સરખો નથી, તો સમીકરણોની જોડ અસંગત છે, અને અસંગત છે, અને તેઓનો આલેખ બે સમાંતર રેખા છે, ક્યાં છે? દે નહીં, સમાંતર રેખા, બરાબર। ત્રીજું કીધું, જો એ વન છેદમાં એ ટુ બરાબર બી વન છેદમાં બી ટુ બરાબર સી વન છેદમાં સી ટુ, એટલે કે ત્રણેય સરખા હોય તો સમીકરણોની જોડ સુસંગત અને અવલંબી છે, તથા તેઓનો આલેખ બે સંપાતી રેખાઓ છે। હવે સ્વાધ્યાય 3.2 એનો બીજો દાખલો આપણે જોશું। રકમ છે એની, સુરેખ સમીકરણથી બનતી રેખાઓ એક બિંદુમાં છેદે છે કે સમાંતર છે અથવા સંપાતી છે, તેમ
ए वन छेद में ए टू, बी वन छेद में बी टू अने सी वन छेद में सी टू गुणोत्तर की तुलना करीने नक्की करो। आपणे आगळ जोयुं एना मुजब छे बराबर। जो पहेलुं समीकरण आप्युं छे पांच एक्स माइनस चार वाय प्लस आठ बराबर जीरो, सात एक्स प्लस छ वाय माइनस नौ बराबर जीरो। हवे आमा जे सहगुणक होय अने ए वन बी वन सी वन, आमा ए टू बी टू ने सी टू, पहला समीकरण में वन बीजा समीकरण माटे आपणे टू लईशुं बराबर। तेथी आपणे लखशुं आपेल सोरेक समीकरण युग्म माटे ए वन, ए वन बराबर शुं थशे पांच, एक्स नो सहगुणक होय ए वन बराबर, वाई नो सहगुणक होय बी वन एटले के बी वन बराबर माइनस चार, आगळ माइनस निशानी होय तो ई तमारे मां लेवानी, अने सी वन बराबर शुं थशे आठ। एज रीतने बीजा समीकरण माटे ए टू बराबर सात, बी टू बराबर छ अने सी टू बराबर माइनस नौ, आगळ माइनस निशानी होय तो लेवानी, प्लस होय तो कंई जरूर नथी बराबर। हवे शुं कर्युं ए वन छेद में ए टू बराबर ए वन शुं छे पाँच, ए टू केटला सात, पाँचना छेद में सात मेळ्या के भाग उड़ता नथी। हवे बी वन छेद में बी टू लऊं, बी वन छेद में बी टू एटले बी वन शुं छे माइनस चार अने छेद में बी टू छ, तो आने भाग पाड़ूँ बे दू चार अने बे तरी छ, बे बे उड़ी गया वही तो शू बेना छेद में त्रण, आगर माइनस माइनस बेना छेद में त्रण। हजी सी वन छेद में सी टू बराबर आठना छेद में माइनस नौ, सी वन आठ अने सी टू माइनस नौ बराबर, आग माइनस आ जाए माइनस आठना छेद में नौ। हवे जो विद्यार्थी मित्रों आपणो पहेलो नियम एवो हतो के ए वन छेद में ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन छेद में बी टू होय तो तेवी बनती रेखाओ एक बिंदु में छेदे छे बराबर, एवं कही सकते तो मैं लख्यू आपेल सुरेख समीकरण युग्म थी बनती रेखाओ एक बिंदु में छेदे छे। बीजो दाखलो जो नौ एक्स प्लस त्रण वाय प्लस बार बराबर जीरो अने अठार एक्स प्लस छ वाय प्लस चौबीस बराबर जीरो, तो आमा एज रीतना सुरेख समीकरण में ए वन शू छे ए वन नौ, बी वन त्रण अने सी वन बार। एज रीते बीजा समीकरण माटे ए टू अठार, बी टू छ अने सी टू बराबर शू छे चौबीस। हवे एज रीतना ए वन छेद में ए टू बराबर ए वन शू छे अपनी पास नौ, ए टू अठार तो नौ डू अठार वैधु अंश में कहीं नहीं एट एक वे छेद में शू वैधु बे एट एक छेद में बे जवाब मिलो आपने। एज रीतना बी वन छेद में बी टू, बी वन शू अपनी पास त्रण, बी टू छ, त्रण दू छ अंश में कहीं ना वे एक छेद में वैधा बे, आम एक छेद में बे आम एक छेद में बे। हज सी वन छेद में सी टू जो सी वन छेद में सी टू बराबर बार छेद में चौबीस, सी वन बार अने सी टू के चौबीस, बार दू चौबीस अंश में कहीं नहीं वे एक छेद में बी एम नम त्रय के मेड़ा सरखा मेड़ा, तो आप कही सकिए अँ ए वन छेद में ए टू बराबर बी वन छेद में बी टू बराबर सी वन छेद में सी टू। तेथी आपेल सुरेख समीकरण युग्म थी बनती रेखाओ संपाती रेखाओ छे। केवी रेखाओ छे? संपाती रेखाओ। हवे त्रीजो दाखलो जोई नीचेना सुरेख समीकरण युग्म सुसंगत छे के सुसंगत नथी ते गुणोत्तर ए वन छेद में ए टू, बी वन छेद में बी टू अने सी वन छेद में सी टू नी किंमत पर थी नक्की करो। आपणे आगळ जोई गया नियम एना उपरथी नज छे बराबर। पहेलो दाखलो थ्री एक्स प्लस टू वाय बराबर पाँच अने टू एक्स माइनस त्रण वाय बराबर सात। पहला सूत्रनो आज रीतना आप्यो होय तो बराबर जीरो करवा माटे पाँच ने बराबर ने डाबी बाजू लई आववा पड़शे एटले माइनस पाँच थाय, सात ने बराबर ने डाबी बाजू लई आववा पड़े एटले माइनस सात थाय अने छेले बराबर शू आवी जाय जीरो। पहला ए रीतना समीकरण मारे गोठवी लेवानुं। तेथी आपेल समीकरण युग्म माटे ए वन बराबर त्रण, बी वन बराबर बे, सी वन बराबर आ पाँच आ बाजू आवशे माइनस पाँच थशे बराबर, एटले आ रीतना समीकरण बनशे थ्री एक्स प्लस टू वाय माइनस पाँच बराबर जीरो अने बीजू समीकरण बन से टू एक्स माइनस त्रण वाय माइनस सात बराबर जीरो। समझाणु? एटला माटे हवे ए टू बराबर
बे बी टू बराबर माइनस तरण और सी टू बराबर माइनस सात। हवे ज रीतना गुणोत्तर लीशू अपने ए वन छेद में ए टू बराबर ए वन तरण ए वन तरण ए टू बे तरण चिन्ह बे कहीं भाग उठता नहीं एट्ले माटे ई संख्या एम नाम। यज रीतना बी वन छेद में बी टू लई बी वन अपनी पास बे और बी टू बराबर माइनस तरण तो माइनस अँ आग आ जाए એટલે જવાબ આવડે આપણો બે ના છેદમાં ત્રણ। હવે સી વન છેદમાં સી ટુ તો સી વન આપણી પાસે માઇનસ વાત અને સી ટુ બરાબર માઇનસ સાત તો માઇનસ માઇનસ ઉડી જાય એટલે વધે શું પાંચના છેદમાં સાત। તો હવે અહીંયા કહી શકીએ આપણે કે એ વન છેદમાં એ ટુ અને બી વન છેદમાં બી ટુ એ એકાઈ સરખા નથી એટલા માટે આપણે પહેલાં બે જ લઈશું કે એ વન છેદમાં એ ટુ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ બી વન છેદમાં બી ટુ। આથી આપણે કહી શકાય કે સુર સમીકરણ યુગમાં સુસંગત છે આપણે નિયમમાં ભણી ગયા હમણાં આગળ જ। બીજો દાખલો ટુ એક્સ માઇનસ થ્રી વાય બરાબર આઠ અને ફોર એક્સ માઇનસ સિક્સ વાય બરાબર નવ। તેથી હવે મેં શું કર્યું આઠને બરાબર આ બધી લઈ ગયો એટલે ટુ એક્સ માઇનસ ત્રણ વાય માઇનસ આઠ બરાબર શું થાય ઝીરો। એ જ રીતના ચાર એક્સ માઇનસ છ વાય બરાબર માઇનસ નવ બરાબર ઝીરો। હવે એના માટે એ વન બરાબર શું થાય છે બી બે બી વન બરાબર માઇનસ ત્રણ સી વન બરાબર માઇનસ આઠ એ ટુ બરાબર ચાર બી ટુ માઇનસ છ અને સી ટુ માઇનસ નવ। હવે ગુણોત્તર લઈએ આપણે એ વન છેદમાં એ ટુ એ વન આપણી પાસે બે છે એ ટુ આપણી પાસે ચાર છે બે દુ ચાર અંશમાં કાંઈનું વધે એટલે એક છેદમાં બે। એ જ રીતના બી વન છેદમાં બી ટુ બી વન માઇનસ ત્રણ બી ટુ માઇનસ છ માઇનસ માઇનસ ઉડી જાય ત્રણ દુ છ એકના છેદમાં બે જવાબ અને સી વન છેદમાં સી ટુ બરાબર માઇનસ માઇનસ અહીંયા ઉડી જશે માઇનસ આઠ અને માઇનસ નવ। હવે માઇનસ માઇનસ ઉડી ગયા વધુ શું આઠના છેદમાં નવ। હવે જુઓ જાય આ બે સરખી મળીએ પણ આ સરખી મળી નહીં એટલે એ વન છેદમાં એ ટુ બરાબર બી વન છેદમાં બી ટુ થાય ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ સી વન છેદમાં સી ટુ। આથી આપેલ સુરેખ સમીકરણ યુગમાં સુસંગત નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા જ દાખલા આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા છે એ આપણે જાતે ગણવાના છે।